सकते हैं नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। वॉर सिमेट्री का गेट यही है ना? हाँ। The Battle of Kohima saw some more. This Hindu soldier of Indian army. उन अफसरों और सैनिकों के सम्मान में भाई ये है होटल से नीचे का भी। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑटो की जगह है, जैसे अपने ऑटो चलते हैं यहाँ पर चलती है, सेम ऑटो सेम कलर से मिलती जुलती, टेक ब्लैक एंड येलो ऑल्टो यूरोप। और हवा ना इतना ठंडा चल रहा है, जैसे मतलब ऐसा फील लग रहा है जैसे हम दार्जिलिंग में। और ये हमारे होटल के रूम से व्यू। मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और देखा आपने पिछले ब्लॉग में हम पहुंच चुके थे नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। तो मेरे पीछे था ये कोहिमा सिटी एयरपोर्ट है, और ये रुके हुए थे होटल में। ये था हमारा होटल का रूम जो कि हमें काफी चीप प्राइस में मिल गया था। ये तो हमारा होटल का रूम जो कि हमें काफी चीप प्राइस में मिल गया था। अभी हम जा रहे हैं वार सिमेट्री देखने के लिए, तो बताएंगे उसके बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या है वार सिमेट्री, काफी अच्छी है। और अभी निकलेंगे इस होटल के पास में ये वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो चलिए निकलते हैं वार सिमेट्री दिखाते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। भाई हम पहुंच चुके हैं, ये एक चौराहा जो आपने देखा था वीडियो में, इस चौराहे से ही है वार सिमेट्री का गेट। और सामने दिख रहा होगा आपको ऊपर ना, वही है वार सिमेट्री। और सुबह सुबह ना यहाँ पे काफी सारा क्राउड है, भीड़, लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। और काफी गर्मी भी हो रहा है यार, गर्मी लगने लगा ना। सामने आपको दिख रहा होगा कोहिमा वार सिमेट्री, तो अभी चलते हैं उसके अंदर। यहाँ से ना दीमापुर के लिए 74 है दीमापुर के लिए, इधर से रोड जाता है और कोहिमा टाउन इधर है। और ये है कोहिमा वार सिमेट्री, जिसको कि देखने के लिए हम अभी जाने वाले हैं ऊपर। देखते हैं इसका टिकट है या फ्री है। और सामने लगा हुआ आई लव कोहिमा वाला बोर्ड, और इधर है ट्रैफिक पुलिस जो कि फीमेल है। तो भाई अभी चलते आ रहे हैं सामने, हम बराबर से चल रहे हैं वॉर सिमेट्री के, और देख रहे हैं इसका गेट किधर से है, क्योंकि पहली बार आए तो पता नहीं है भाई गेट इधर का किधर है। वॉर सिमेट्री का गेट यही है ना? ओके थैंक यू। ओके आ जाओ भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं वॉर सिमेट्री के गेट पर। मेरे पीछे देख सकते हैं कोहिमा वॉर सिमेट्री 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यहाँ पर जितने भी वो सोल्जर शहीद हुए थे उनकी याद में ये वॉर सिमेट्री बनाया गया, उनको यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था आई थिंक। मुझे पूरी जानकारी नहीं है भाई, अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो माफ़ करना। तो बनाया गया था उनकी याद में। तो ऊपर चलते हैं वहाँ पर कोहिमा वॉर सिमेट्री। स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप ले आ नहीं सकते। दिस सिमेट्री वॉज बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। सूरत सा वहाँ से गेट है, मेन रोड से ऊपर आते हैं आप, और धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं पास सिमेट्री के। और सामने देख सकते हैं ब्यूटीफुल कोहिमा का नज़ारा हमको दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया गया है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो वार सिमेट्री से जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये इसकी वार सिमेट्री की हिस्ट्री के बारे में सभी कुछ यहाँ पर मैंशन किया गया है। कोहिमा वार सिमेट्री, द बैटल ऑफ कोहिमा saw सम मोस्ट सीवियर फाइटिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन अप्रैल 1944। द ट्रूप्स डिफेंडेड दिस ग्राउंड अगेंस्ट जापानी फोर्सेज। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ जो जो मोटा मोटा मेरे समझ में आया, आप स्किप करके ना पढ़ सकते हो सारी इसकी हिस्ट्री, कि यहाँ पे जापानी जो फोर्स थी ना सेकेंड वर्ल्ड वार में, उन्होंने कोहिमा से होते हुए कोहिमा और इम्फाल की तरफ से अटैक किया था। हमारे इंडियन जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो हमारी इंडियन आर्मी ने ना उनको बॉर्डर पर उनके साथ लड़ाई वगैरह हुई थी। और यहाँ पे कुछ देखो मेंशन किया गया है 1917 में ये जो स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार यूरोप से, फिर एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में आया, जापानीज अटैक्ड थ्रू साउथ ईस्ट एशिया 1942 में ब्रिटिश एंड अलाइंट फोर्स से रिट्रीट फ्रॉम बर्मा, बर्मा में जापानी फोर्स घुस, जापानी जो आर्मी थी वो घुस गई। 1944 में उन्होंने इंडिया के इम्फाल से शुरुआत की, इम्फाल पर कब्जा किया, और 1944 में ये कोहिमा का बैटल ऑफ कोहिमा, कोहिमा में यहाँ पर युद्ध हुआ था। 1944 में इंडिया की विक्ट्री हुई जापानीज फोर्सेज पर, और जापानीज फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया 1945 में यहाँ पर। 1947 में ये जो सिमेट्री बनाया गया था उनकी याद में, तो ये कुछ ऐसा सिमेट्री का मैप यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर चलते हैं अभी, आप इस मैप को और रियलिटी में आपको हम अभी दिखाते हैं ऊपर जाने के बाद। हम सभी आर्मी का सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं आर्मी को, क्योंकि देखो आर्मी के लिए ये बात लिखी गई है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव ओवर टुडे। यानी ये सही बात है कि आर्मी के जवान होते हैं ना, हमारे कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर देश के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। तो यार सैल्यूट है सभी आर्मी सोल्जर्स को, और चलते हैं। और यहाँ पर जो हमारी जो आर्मी रहती है असम राइफल्स, तो उनको भी सैल्यूट है। तो चलिए चलते हैं ऊपर से, उतर के हम आ चुके हैं यहाँ नीचे। और नीचे आप देख सकते हैं वही वाला चौराहा है जैसे कि हम आए थे एंट्री करके, और यहाँ से स्टार्ट होता है द वॉर सिमेट्री। इधर देख सकते हैं आप जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे सोल्जर्स, उनके नाम लिखे हुए हैं, ब्रिटिश थे, कुछ इंडियन भी थे,
जे देखो ये देख सकते हो जे एच ए स्कॉट क्वींस रॉयल रेजिमेंट। इनका जो रेजिमेंट थी वो थी क्वींस रॉयल रेजिमेंट। 16 मई 1944 को एज 23 को ये शहीद हुए थे। तो उनकी याद में देखो ये ग्रेप्स बनाया गया कब्र, जिसे हिंदी में आप कब्र बोलते हैं, ये बनाया गया यहाँ पर। हम मेंशनड हैं जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे सेकंड वर्ल्ड वार में। और अभी जो सर थे उन्होंने हमें कुछ जानकारी दी, बताया कि यहाँ पर 2300 ग्रेप्स बने हुए हैं लोगों को जहाँ पे, और बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को दफनाया गया था, कुछ लोगों को जलाया भी गया था, अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पर। तो ऊपर जलाया, जिन लोगों को जलाया गया था उनकी ग्रेप्स, उनकी कब्र बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी हुई है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, नाम मेंशन है इधर उनकी एज के साथ। और इधर देख सकते हैं ना यार, हवा जो है ना बहुत ठंडी हवा आ रही है। देखो मैंने जैकेट पहना हुआ है, बाकी नीचे दिमापुर में काफ़ी गर्मी थी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं, आई थिंक मोर पंखी के पेड़ हैं ये। और हवा जो चल रही है बहुत ही ठंडी चल रही है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा मौसम लग रहा है जैसे दार्जिलिंग में। यहाँ पे जो ग्रेप्स बने हुए हैं ब्रिटिश सोल्जर्स के बने हुए 1939 से 1945 के। चलिए चलते हैं हम ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको ऊपर का सिमेट्री कैसा बना हुआ है। चलते हैं ऊपर की तरफ, इधर भी देखो सेम ऐसे ही नाम मेंशन, नाम रेजिमेंट उनकी डेट सभी कुछ मेंशन किया गया है। तो भाई जैसे जैसे ये ग्रेप्स बने गए ना, ये इनके बैटल के हिसाब से और इनके रेजिमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं सभी, और जितने बने हुए सबके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये इस कैटेगरी के हिसाब से हैं शायद, जितना मैंने पढ़ा जाना यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं और ऊपर की तरफ, तो ऊपर भी देखते हैं हम कहाँ पर क्या क्या बनाया गया है इधर सिमेट्री में। और ऊपर देखो वो, और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है ना, पूरा कोहिमा सिटी आपको इधर दिख रहा होगा। तो ये कुछ यहाँ पर एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है, लिखा हुआ डीप वाटर, आई डोंट नो क्या है ये, पता नहीं हमको, नहीं पता है तो इसके बारे में नहीं बताएंगे, बस ये लगा हमको तो हमने आपको दिखा दिया। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, अभी वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। ऊपर भी कुछ ग्रेव्स और बनी हुई हैं, तो यहाँ तक भी एंड हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है, ओम भगवते नमः दिस हिंदू सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी इस हॉनर्ड हेयर भूपा, इनका नाम जो था भूपा, 7th राजपूत रेजिमेंट के थे ये, 18 अप्रैल 1944 को ये शहीद हुए थे, एज 27 थी, राजपूत रेजिमेंट। तो सैल्यूट है। उन अफसरों और सैनिकों के सम्मान में जो मृत्यु को प्राप्त हुए और जिनके भौतिक अवशेष अग्नि को भेंट किए गए, उनके लिए सम्मान में यहाँ पर ये सिमेट्री बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इंडियन फोर्सेज 18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स, इंडियन फोर्सेज 18th पंजाब रेजिमेंट, इंडियन फोर्सेज 1st पंजाब रेजिमेंट। और इधर देखिए नाम मेंशन किए गए हैं सभी, और इधर भी कुछ नाम मेंशन किए गए हैं। तो ये मेमोरियल ऐसा बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। वार सिमेट्री, कोहिमा वार सिमेट्री हम घूम चुके हैं और अभी हम निकले नीचे की तरफ, पूरा हमने आपको दिखाया वार सिमेट्री। तो कैसा लगा आपको ये वार सिमेट्री कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी जितने भी सोल्जर्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, तो सभी को यार सैल्यूट है जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी लाइफ दी कंट्री को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ना कमेंट में ज़रूर बताइए, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ, क्योंकि काफ़ी हमें भूख लगने लगा है। तो देखते हैं कोई फूड शॉप वगैरह हो यहाँ पर, तो चलते हैं नीचे। दिख रहा होगा आपको मार्केट, जो मेन रोड है सिटी का मेन रोड आपको नीचे दिख रहा होगा उधर। और ये था पूरा यहाँ का व्यू, लास्ट टाइम आपको दिखाते हैं हम कोहिमा वॉर सिमेट्री, ऐसा कुछ नज़ारा था यहाँ का, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमको। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से नीचे की तरफ, और बराबर में था अपना होटल, आई थिंक इधर था अपना होटल, नहीं इधर था अपना होटल। तो कोहिमा वार सिमेट्री को देखकर हम वहीं वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने एंट्री किया था नीचे। तो ये था यहीं, इसी जगह से हमने एंट्री किया था, वही यही वो गेट था। तो अभी आ चुके हैं नीचे और अब चलते हैं बाहर की तरफ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ सिटी में हम। तो भाई अभी चल रहे हैं हमने होटल की तरफ हम। होटल इधर है और ना यहाँ पर इस तरह की सिटी बस चलती है जिससे आप घूम सकते हो। टैक्सी के अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का साधन सिटी बस भी है, जैसे कि आप जा सकते हो कहीं पे आपको जाना है।